बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना चैनल पी के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों 385 ट्रैक्टर की होने वाली है छुट्टी, क्योंकि आपको पता है 385 ट्रैक्टर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ट्रैक्टर है और ग्राहक सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी करते हैं। दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है, देखने में भी इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अच्छी लगती है, इसी वजह से ग्राहक इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे फार्म अज़रा जो हैं बड़े बड़े फार्मों वाले 385 की डिमांड करते हैं और शौकिया तौर पर भी इसे रखते हैं। दोस्तों ये 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है और पाकिस्तान में मौजूद मिलर ट्रैक्टर का सबसे बड़ा मॉडल 385 है। दोस्तों पाकिस्तान में इस ट्रैक्टर की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा दिलकश है, और इसके अलावा जो इसके बैक एक्सल हैं, बैक एक्सल की ट्यूब्स हैं, वो काफ़ी पायदार बनाई गई हैं, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय अलगाज़ी ट्रैक्टर्स के। दोस्तों पाकिस्तान में पहली बात तो ये सिर्फ दो ही कंपनियां जो वो अपना असम्बली प्लांट लगाए हुए हैं, अलगाज़ी और मिलर ट्रैक्टर्स के। इसके अलावा भी बिलारस ट्रैक्टर भी यहाँ पर चलते हैं, यूटोंग ट्रैक्टर भी यहाँ पर चलते हैं, YTO ट्रैक्टर भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब से आप देख सकते हैं इसकी जो बैक रियर टायर की जो ट्यूब्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो पायदार और पावरफुल हैं वो सिर्फ मिलर ट्रैक्टर की। मिलर ट्रैक्टर की मकबूलियत की बड़ी वजह ही यही है कि इसकी जो बैक एक्सल की ट्यूब्स हैं वो हैवी बनाई गई हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं बजाय बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले। लेकिन अभी जो नई अपडेट अलगाज़ी ट्रैक्टर की तरफ से सुनने में आ रही है कि वो अपने बड़े ट्रैक्टर मॉडल जो है यानी कि दबंग के ऊपर नई खूबियों के साथ इसमें एक तब्दीली करने वाले हैं, जो बहुत ही खुश आइंदा तब्दीली है, सब ग्राहक की डिमांड थी। दोस्तों ये आपके सामने अलगाज़ी ट्रैक्टर का बड़ा मॉडल दबंग 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। ये भी मैं समझता हूँ मिल्लत के 385 के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा पायदार, और डीजल के यानी कि तेल एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, इंजन इसका बहुत ज़्यादा हैवी है बजाय मिल्लत के मुकाबले में, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ख़राबी क्या थी, फॉल्ट क्या था, वो जी इसके जो बैक साइड के जो एक्सल की ट्यूब्स थी ना वो जो टेढ़ी बनाई गई थी यानी कि मोड़ कर दी गई थी। अभी सुनने में अपडेट आ रही है कि अलगाज़ी ट्रैक्टर वाले अपने इस मॉडल के ऊपर तब्दीली करने वाले हैं, इसकी जो बैक टायर की एक्सल की ट्यूब्स हैं उसको सीधी करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर ये ट्यूब सीधी कर देते हैं तो अब मिल्लत के 385 ट्रैक्टर को कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। सिर्फ इसी वजह से ये इसको प्रेफर नहीं किया जाता था बजाय इसके 385 को प्रेफर किया जाता था। अगर कंपनी इस मॉडल में ये तब्दीली कर दे, ये अपडेट कर दे, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इस ट्रैक्टर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।